कल करीब 10 महीनों के बाद कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय खोले गए हैं। इसमें काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपने विद्यालय पहुंचे हैं। सभी छात्र छात्राओं के चेहरे पर दिखी स्कूल खुलने की खुशी। वहीं स्कूल प्रशासन कोरोना संक्रमण को लेकर पूरी तरह सावधान दिखा। सभी बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के बाद ही स्कूल में प्रवेश मिला। वहीं दरबारी लाल शर्मा इंटर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल आशीष कुमार सिंह का क्या कहना है, कॉलेज काफ़ी महीनों के बाद खुले हैं, हम छात्र छात्राओं को कोविड का ध्यान रखते हुए सभी को पहले थर्मो स्कैनिंग कर रहे हैं, उसके बाद सबके हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है, फिर सभी छात्र छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश कराया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया काफ़ी छात्र छात्राएं आज कॉलेज आ रहे हैं, पर पहले के अनुपात में छात्र छात्राएं कम आ रहे हैं। उन्होंने कहा धीरे धीरे इनकी भी पूर्ति हो जाएगी। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह और मैं इस कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे आज इस बच्चे स्कूल आ रहे हैं? जैसा कि आपको विदित है सर शासन के जैसे निर्देश हैं, आज जूनियर क्लासेस 6 से लेके 8 तक के विद्यालय पुनः खुले हैं। जैसा कि कोविड-19 के तहत बहुत सारे समस्याएं आती रहीं, तो आज पहली बार स्कूल खुले हैं। कॉलेज ने प्रॉपर वे में एक सैनिटाइज और उसका थर्मल स्क्रीन की प्रॉपर व्यवस्था की हुई है और उनके बच्चों का बैठने के समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे कि उनकी डिस्टेंस जो है वो बनी रहे और बच्चों में भी काफ़ी उत्सुकता दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी लेकिन फिर भी वो वाली बात नहीं आ पाती है जो फेस टू फेस पढ़ाई होती है। बच्चे भी काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। प्रतापगढ़ के कोहलपुर थाने के मदफ